जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लेके जाएंगे कोटद्देवा मल में। वहाँ पे एक स्पोर्ट्स एकेडमी है, अंसर स्पोर्ट्स एकेडमी, तो उनकी नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी खिदमतें हैं एथलेटिक्स में। तो ये पहला हिस्सा होगा, इसमें हम वहाँ के जो एथलीट्स हैं उनसे आपको मिलाएंगे, उनकी कामयाबियों के बारे में आपको बताएंगे। और दूसरे हिस्से में जो स्पोर्ट्स एकेडमी के रोवरवा हैं अंसर अब्बास रशीद साहब, उनसे मिलवाएंगे, उनके जो पहले कोच हैं मारखिजर सियाल साहब, उसके बाद चौधरी अरफान जायद साहब, रायादील साहब। दूसरे हिस्से में हम उनके इंटरव्यूज़, उनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, किन किन मुश्किल का उनको सामना करना पड़ा, वो आपको दिखाएंगे। तो काइंडली हमारे साथ जुड़े रहिएगा पहले हिस्से में भी और दूसरे हिस्से में भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वालेकुम दोस्तों, सुबह बख़ैर। आज हम आपको लेके आए हैं साहिवाल के नवाही कस्बा कोटद्देवा मल पे। यहाँ पे नाजरीन एक हाई स्कूल है जहाँ से पाकिस्तान के लिए बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स पैदा हुए हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, आप लोगों को बताना कि कैसे टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में। अभी हम आपको ट्रैक और वो अंसर स्पोर्ट्स एकेडमी है जहाँ से ये नो होनहार एथलीट्स निकले हैं, कि कैसे उन्होंने बहुत कम सहूलियात से पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो अभी आपको ये स्कूल का विज़िट करवा रहे हैं और उसके बाद आपको ट्रैक पे लेके चलेंगे जहाँ पे अभी जो नए एथलीट्स हैं जो आके ट्रेनिंग करते हैं, उसमें छोटे बच्चे और कुछ पुराने एथलीट्स, उनके जो कोचेज़ हैं वो उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। और जो एथलीट्स पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। और ये सारी जो मेहनत है वो उसके पीछे जो एक शख्स की मेहनत है, उनका नाम अंसर अब्बास रशीद साहब है, जिनकी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी की वजह से यहाँ से बहुत सारे जो है वो नामी ग्रामी खिलाड़ी पैदा हुए हैं, ना सिर्फ एथलेटिक्स में बल्कि क्रिकेट में भी, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। और उसके बाद खिजर मारखिजर सियाल साहब हैं जो कोच रहे हैं पहले यहाँ पे, और वापडा की भी कोचिंग करते रहे हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, आपको हम उन जो एथलीट्स हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे गोल्ड भी विन किए हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनके ख्यालात और उनको जो सहूलियात हासिल थी उसके बारे में जानेंगे उनसे। जी ये हमारे भाई हैं हसन रज़ा भाई, ये इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं। यहाँ पे ताहिर वकार साहब हैं जो मकामी वापस आए, स्कूल टीचर हैं यहाँ पे। कितनी दौड़ लगा के आए हैं तो नाम पूछ कर। जी भाई आपका नाम? हसन रजा। चार सालों में, इस चार सालों में आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, यानी अब तक आपने कौन से एजाजात हासिल किए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे? हाँ जी, जूनियर नेशनल तीन चार दफ़ा चैंपियन हुआ। जूनियर नेशनल के तीन चार दफ़ा आप चैंपियन रह चुके हैं। और एशिया का मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल, एशिया का ब्रॉन्ज मेडल भी आपने जीता है। आपका इवेंट क्या था उसमें? 400 मीटर में श्रीलंका। दूसरा आपका टूर कहाँ का हुआ था? थाईलैंड। थाईलैंड का, वहाँ आपने कौन सा इवेंट किया था? इधर भी 400, 400 मीटर ही किया। तो ये दोस्तों देख लें कि ये एक इलाका देख लें, गांव देख लें, और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ये एक दोस्त हैं जिनसे आपकी मुलाकात कराई थी। इस तरह के और बहुत सारे मतलब यहाँ से दोस्त हैं जिस वक्त नेशनल कोचिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोचिंग भी कर रहे हैं और एथलेटिक्स में हिस्सा भी ले रहे हैं। तो अभी आते हैं इनके सहूलियात के हवाले से। सहूलियात आप देख ही रहे हैं, ये चटियल मैदान है और बेआबानी है, यहाँ बेसरों सामानी है, बच्चे अपने तौर पे सारा कुछ करते हैं, अपनी यूनिफॉर्म्स, अपने जो है स्पोर्ट्स शूज़ जो भी है अपने अखराजात पे करते हैं। और एहसान इन पे इनके कोचेज़ का जो फ्री कोचिंग करते हैं,
विदाउट एनी बेनिफिट, सिर्फ शाबाश वो भी हम जैसे लोग उनको दे देते हैं, शायद आना सतह पर वो भी ना मिलती हो, इसके अलावा कोई सहूलत नहीं। तो ये तो उनकी मेहनत है या इनके जो कोचेज हैं उनकी मेहरबानी है और इनकी इनके साथ जो है ना वो लगाव है, लगन है खेल के साथ कि ये बच्चे जो हैं नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर पहुँचे। बाकी सरफराज साहब आते हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं। आप दोस्तों आप देख रहे हैं कि अगर इन्हीं बच्चों को प्रॉपर सहूलियात दी जाएँ तो ये पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा जो है वो मेडल जीत सकते हैं। एक और दोस्त आए हैं, वालेकुम सलाम जी। आप भाई, आपका अब्दुल रजाक, आपकी रिहाइश कहाँ की? कोट अद्दू जिला मुजफ्फरगढ़ से ये ट्रेनिंग के लिए यहाँ आते हैं। आपका डिपार्टमेंट कौन सा? अभी डिपार्टमेंट के पास नहीं है, लेकिन ये भी एक इंटरनेशनल टूर कर चुके हैं स्पोर्ट्स की बुनियाद पर। कहाँ गए थे आप? श्रीलंका। तो आपका इवेंट क्या था? मैं 200 और 400 करता हूँ। 200 और 400 मीटर में इन्होंने वहाँ श्रीलंका में पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी की थी। तो ये कोट अद्दू से आए जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ कुछ तो है ना जिसके लिए दोस्त या इतना सफ़र करके जो है मैं यहाँ कोचिंग हासिल करने के लिए आते हैं। तो और बाब इख्तियार से हमारी यही दरख्वास्त है कि क्रिकेट के अलावा जो हमारे स्पोर्ट्स के हीरोज़ हैं या जो टैलेंट है हमारा उस पर भी तवज्जो दें। अगर इन्हीं बच्चों को प्रॉपर सहूलियात मिलें, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, ट्रैक्स मिलें, तो ये पाकिस्तान के लिए और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ये असर रजा के बारे में एक बात और आपको बताऊं कि ये स्कूल में यहाँ अभी मैट्रिक करके यहाँ से निकले हैं, तो इससे पहले ये स्कूल की क्रिकेट टीम के कप्तान थे। आप स्कूल की तरफ से अपनी टीम के साथ क्या क्या एजाजात अब तक हासिल कर चुके हैं? एथलेटिक्स में भी, क्रिकेट में आप डिवीजन तक? डिवीजन चैंपियन स्कूल की तरफ, स्कूल हाई स्कूल कोटद्वामल की क्रिकेट टीम के ये डिवीजन चैंपियन रही है ये टीम, और ये कप्तान थे असर रजा, और ज़िला भी दो या तीन दफ़ा मेरा ख्याल आपने ज़िला भी जीता है। वो अभी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ लगे हुए हैं इनके नाम के जो बोर्ड हैं स्कूल के अंदर, वो ऑफिस खुलता है तो आपको वो भी दिखाते हैं कि किस किस साल में यहाँ की क्रिकेट टीम ने ये एजाजात हासिल किया। जी अस्सलाम वालेकुम, ये सरफराज भाई आए हैं, ये कोच हैं, इन बच्चों के ट्रेनिंग वगैरह ये करवाते हैं। तो ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे कर चुके हैं, और किसी डिपार्टमेंट से भी वाबस्ता हैं आप? वापडा से आप अभी उधर है, आपकी जॉब चल रही है? सही, वापडा में आप बतौर क्या इस वक्त स्पोर्ट्स के वाले से? लेस्को टीम के ये कोच हैं, यानी जो लाहौर डिपार्टमेंट है वापडा का उसके ये कोच है। तो सरफराज साहब थोड़ा सा हम आपको पीछे लेके चलते हैं कि जब आपने खेल का शुरू की थी एथलेटिक्स इस अंसर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से, तो उस वक्त ये कितना अरसा पुरानी बात है? ये तकरीबन 2000 की बात है। सन 2000 की बात है, तो इस बात को 20 साल हो स्पोर्ट्स की खिदमत करते हो आप, तो 20 सालों में आपके अपने एजाजात क्या हैं, यानी नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे आपने अब तक क्या स्पोर्ट्स के वाले से आपकी जाती कारकर्दगी क्या रही? तीन दफ़ा मैं नेशनल चैंपियन हूँ। तीन दफ़ा आप नेशनल चैंपियन हैं, किसी कौन सा इवेंट था आपका? 800, 1500 और 5000 मीटर में नेशनल चैंपियन रह चुके हैं सरफराज साहब तीन दफ़ा। और बाहर कोई टूर हुआ आपका? सेफ गेम खेल रहा हूँ जो पाकिस्तान में 2004 में हुई। जबरदस्त जी, सेफ गेम्स में भी, सेफ गेम्स में भी हिस्सा ले चुके हैं, और एशियन जूनियर मलेशिया में 2004 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान की। तो कितना बड़ा एजाज है, और ये जगह आप देख रहे हैं कोटद्वामल साहिवाल, शायद आपने नाम भी ना सुना हो पहले, तो यहाँ से ऐसे लोग जो हैं वो पैदा हो रहे। इस वक्त ये जितने, ये तो अभी बहुत थोड़े आपको नज़र आ रहे हैं या जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं उन सब की कोचिंग कर रहे हैं सरफराज साहब, इनकी खिदमात जो है वो याद रखी जाएंगी और बिला मुआवजा हैं। ये बात नाज़रीन याद रखें कि सुबह और शाम के वक्त दोनों वक्त यहाँ आते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं, इनकी कोचिंग करते हैं, और इन सारी खिदमात का कोई मुआवजा नहीं लेते, बिला मुआवजा जो है ये खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। ये इनका जज्बा जो है पूरी कौम के लिए काबिले फख्र है। पाकिस्तान से मुख्तलिफ बच्चे आते हैं, हमें उनसे मिलवा सकते हैं आप? जो बच्चे जो हैं दूर से आते हैं और जिनका आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भी हों वो जी, अभी वो कह रहे हैं कि बड़ी एक को आपको मिलवाया है खान साहब से, तो अब ये और
हमारे बरखुरदार हैं। क्या नाम है बेटा आपका? जैनुल आबिदीन। कहाँ से आते हैं आप? चकवाल से ये ट्रेनिंग के लिए यहाँ आए हुए हैं। मोहम्मद शकील, इनका ताल्लुक लाहौर से है, ये लाहौर से ट्रेनिंग के लिए यहाँ आते हैं। तो नाजरीन ये बात मैं तो नहीं समझता कि ये कोट अद्दू से, इनका पहले हमने तारफ करवाया है, कोट अद्दू से आए। और ये एक और दोस्त है थाना डेरा रहीम से, ये यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आते हैं, और कोई दूसरा मकसद नहीं है। तो सरफराज साहब, हम सल्यूट करते हैं आपको, आपकी खिदमात जो हैं वो बहुत मिसाली हैं, यूनिक हैं। अल्लाह ताला आपका ये जज्बा सलामत रखे। तो कोई और आपके साथी उस वक्त के जो जिन्होंने इजाजत लिए हों, मेरे जहन में इरफान और अदील उनके नाम आ रहे हैं। इरफान जूनियर चैम्पियन और अदील जो कि नेशनल गेम का चैंपियन है, वो भी इसी एकेडमी से के तरबियत याफ्ते हैं, यहीं से उन्होंने ट्रेनिंग ली है, शायद से हुई है जी, उनका इंटरव्यू किया है उनके। जी जी, तो ये आप इन सारी खिदमात का सेहरा बुनियादी तौर पर अंसर साहब का नाम मेरे जहन में आता है, सर खिजर हयात सियाल का नाम आता है, तो उनके हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे अंसर साहब? जूनियर नेशनल चैंपियन, नवा रिकॉर्ड किया जी। ये क्या नाम है बेटा? मोहम्मद अख्तर जी। ये इस वक्त जूनियर नेशनल चैंपियन है और इनका इन्होंने सबका जितने भी रिकॉर्ड है नेशनल चैंपियनशिप के, वो सारे ब्रेक किए हैं। कितने टाइम में आपने अपना इवेंट किया है? 15-21 में इन्होंने इवेंट कौन सा? 5000 मीटर, 5000 मीटर का इवेंट इन्होंने 15:21 में तय करके पाकिस्तान के सबका सारे रिकॉर्ड्स जो है वो ब्रेक किए हैं। कैसी अजीब बात है, और हमारा पाकिस्तान इससे बेखबर है अब तक। तो ये होनार एथलीट हैं जो यहाँ हैं, जूनियर चैंपियन 2019 गोल्ड मेडल जी, मिलवाइए आओ बेटा। और दोस्तों, ये सारी वो बातें हैं जिनमें से कुछ तो मेरे इलम में थी, मैं मकामी हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, मेरे इलम में भी नहीं थी, हैरान कर जी बेटा। 1500-1400 दिल्ली में। आपका नाम? इफ्तिखार। कहाँ की रिहायश है? करीवाला से। ये अजीज भी हैं सरफराज साहब के, इन्हीं के मतलब गांव में रहते हैं। तो आपके क्या क्या अब तक आप जीत चुके हैं? मैं अंडर-19 जूनियर चैंपियन हूँ। अंडर-19 जूनियर चैंपियन है, और तीन 815 और 400 रिले, 400 रिले जिसमें 4 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, उसमें ये उनके इवेंट है, और उनके लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं जी। हमारी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं, हम हमारी खिदमात भी आपके लिए हाजिर हैं, हम पहले भी जो जितना कर सकते हैं करते हैं, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे और अपनी फील्ड में आपको मजीद कामयाबी और कामरानियाँ चाहते हैं। थैंक यू सो मच।